गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा लेक्चर है फाइल सिस्टम इन यूनिक्स। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं यूनिक्स में कौन कौन से फाइल होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि यूनिक्स में फाइल सिस्टम क्या है। यूनिक्स या फिर लिनक्स फाइल सिस्टम, तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जो है आपको बताया था कि यूनिक्स और लिनक्स में क्या अंतर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यूनिक्स और लिनक्स दोनों एक ही चीज होती है। तो यूनिक्स जो है वो कॉपीराइटेड नेम है और उसको जो है वो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर नहीं है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको उसके ऑनर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जबकि लिनक्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। बाकी यूनिक्स और लिनक्स की दोनों की जो फंक्शनैलिटी है, कमांड्स है, स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिक्स और लिनक्स दोनों एक ही चीज है। तो इसलिए इस स्लाइड में मैं यूनिक्स फाइल सिस्टम भी बोल सकता हूं और लिनक्स फाइल सिस्टम भी बोल सकता हूं। तो देखते हैं कि यूनिक्स फाइल सिस्टम कैसा होता है। तो यूनिक्स फाइल सिस्टम लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन ट्री। तो यूनिक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम की जो अरेंजमेंट होती है वो होती है अपसाइड डाउन ट्री के फॉर्म में। तो अपसाइड डाउन ट्री कैसा होता है तो वो अगले स्लाइड में मैं आपको शो करूंगा कि वो कैसा होता है देखने में। तो द फाइल सिस्टम बिगिंस विद ए डायरेक्टरी कॉल्ड रूट। तो यूनिक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम है उसकी शुरुआत होती है रूट डायरेक्टरी से और उस रूट डायरेक्टरी को डिनोट किया जाता है बैक स्लैश से। तो ब्रांचिंग फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी देयर आर सेपरल अदर डायरेक्टरीज कॉल्ड बिन, लिप, यूजर, ईटीसी, टेम्प एंड डिवाइस। तो फाइल सिस्टम में सबसे टॉप पे जो होता है उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं और उसको जो है बैक स्लैश से उसको डिनोट करते हैं और उसके बाद रूट डायरेक्टरी के बाद उसके नीचे और भी बहुत सारे डायरेक्टरीज होती है, जैसे कि बिन की डायरेक्टरी, लिब की डायरेक्टरी, यूजर की डायरेक्टरी, ईटीसी डायरेक्टरी, टेम्परेरी डायरेक्टरी और डिवाइस फाइल की डायरेक्टरी। तो ये अगले स्लाइड में ये सब कुछ पता चलेगा कि बिन क्या है, लिब क्या है और यूजर क्या है, ईटीसी, टेम्प या डिवाइस की डायरेक्टरी क्या होती है। तो दीज डायरेक्टरीज आर कॉल्ड सब डायरेक्टरी। तो जो है रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी के बाद उसके नीचे बहुत सारे और भी डायरेक्टरीज है जिसको बिन, लिब, यूजर, ईटीसी, टेम्प और डिवाइस डायरेक्टरी बोलते हैं। तो इसी डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी भी बोलते हैं, मतलब एक रूट डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी के नीचे जितने भी बिन, लिब, यूजर, ईटीसी, टेम्प और डिवाइस है इसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम रूट डायरेक्टरी को पेरेंट डायरेक्टरी बोल सकते हैं, ठीक है, और उस पेरेंट डायरेक्टरी, उस रूट डायरेक्टरी के नीचे जितने भी डायरेक्टरी है जैसे कि बिन, लिब, यूजर, ईटीसी, टेम्प एंड डिवाइस डायरेक्टरी को हम सब डायरेक्टरी बोल सकते हैं और उस सब डायरेक्टरी के नीचे जितने भी डायरेक्टरीज है उसको हम सब सब डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो बेसिकली जो है हमारा जो है यूनिक्स के अंदर फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर जो होता है वो जस्ट ऐसा ही होता है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे टॉप पे रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी को हम जो है बैक स्लैश से उसको डिनोट करते हैं और रूट डायरेक्टरी के बाद नीचे जो है बिन डायरेक्टरी, लिब डायरेक्टरी, यूजर डायरेक्टरी, ईटीसी डायरेक्टरी, टेम्प डायरेक्टरी और DEB डिवाइस डायरेक्टरी इसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं और इन सब डायरेक्टरी के नीचे भी डायरेक्टरीज होते हैं और फाइल्स होते हैं जिसको हम सब सब डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो इसको अगले स्लाइड में हम जो है
इसके डायग्राम्स को देखते हैं तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि अपसाइड डाउन ट्री क्या है, रूट डायरेक्टरी क्या है, उसके बाद जो है सब डायरेक्टरी क्या है और सब सब डायरेक्टरी क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा जो है यूनिक्स फाइल सिस्टम का डायग्राम है और जिसमें दिखाया गया है कि जो सबसे ऊपर है रूट, उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं बैक स्लैश से। उसके बाद रूट डायरेक्टरी के बाद इसके अंदर बहुत सारे सब डायरेक्टरी है। एक डायरेक्टरी है डिवाइस फाइल का डायरेक्टरी है, बिन फाइल की डायरेक्टरी है, यूजर फाइल की डायरेक्टरी है, टेम्प फाइल की डायरेक्टरी है, ETC फाइल की डायरेक्टरी है और लिब फाइल की डायरेक्टरी है। तो रूट डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी के बाद ये डिब बिन यूजर टेम्प ETC लिब, इसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं। और इन सब डायरेक्टरी के भी नीचे कुछ और डायरेक्टरी है और कुछ फाइल्स के नाम है, तो इसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं, इसको फाइल नेम बोलते हैं। यहाँ बिन के अंदर भी सब डायरेक्टरीज है, यूजर के अंदर भी सब डायरेक्टरीज है और इसमें फाइल नेम भी है। शर्मा जो है एक फाइल नेम है। उसके बाद टेम्प डायरेक्टरी के अंदर जो है दो डायरेक्टरी और है और ETC और लिब के अंदर कोई सब डायरेक्टरी नहीं है। तो इस तरीके से इसको अपसाइड ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसके रूट को बैक स्लैश से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। और इसके बाद ये सारे इसके सब डायरेक्टरी है और इसके नीचे जितने भी डायरेक्टरी है इसको सब सब डायरेक्टरी बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके समझते हैं कि डिवाइस डायरेक्टरी क्या है, बिन डायरेक्टरी क्या है, यूजर डायरेक्टरी क्या है, टेम्प डायरेक्टरी क्या है, ETC डायरेक्टरी क्या है और लिब डायरेक्टरी क्या है। अब देखते हैं कि फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी के बाद जितने भी सब डायरेक्टरी होते हैं उन सब डायरेक्टरी का क्या क्या काम होता है तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट रूट डायरेक्टरी के बाद हमारे पास जो फर्स्ट सब डायरेक्टरी है उसका नाम है बिन डायरेक्टरी। तो बिन को बाइनरी डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो इस बिन नाम के डायरेक्टरी में हमारे पास जो है एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होते हैं वो इस डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं। तो यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जब आप कोई भी कमांड्स लिखते हैं और उसको रन करते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम्स आप लिखते हैं और उसको रन करते हैं, तो कमांड्स को और प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए कुछ एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होते हैं। तो वो सारे एग्जीक्यूटेबल कमांड्स बिन नाम के डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं। तो बिन डायरेक्टरी का यही काम होता है कि इसके अंदर एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होते हैं और जो भी कमांड्स या प्रोग्राम्स आप यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट करते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाने में ये बिन नाम के डायरेक्टरी में जो कमांड्स है, एग्जीक्यूटेबल कमांड्स है, वो हेल्प करती है। अब दूसरा जो हमारे पास सब डायरेक्टरी है उसका नाम है ETC सब डायरेक्टरी। तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स अदर एडिशनल कमांड्स दैट रिलेटेड टू सिस्टम मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम मेंटेनेंस करते हैं या जब उसका हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उससे संबंधित भी कुछ कमांड्स होते हैं, तो वो सारे कमांड्स जो है ETC नाम के सब डायरेक्टरी में स्टोर होती है। साथ ही साथ जो है ETC नाम का सब डायरेक्टरी जो है उसके अंदर और भी सेवरल फाइल्स स्टोर होते हैं और वो फाइल्स रखते हैं अपने पास सिस्टम के यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन को रखते हैं कि उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन कौन यूजर्स जो है उसको यूज कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को जो है बहुत सारे फाइल्स उस इंफॉर्मेशन को रखते हैं और वो सारे फाइल्स जो है ETC नाम के सब डायरेक्टरी में स्टोर होती है। साथ ही साथ टर्मिनल्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सिस्टम, साथ ही साथ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जितने भी डिवाइसेस और टर्मिनल्स कनेक्टेड है तो उनसे संबंधित फाइल्स को भी जो है ETC नाम के सब डायरेक्टरी में स्टोर करके रखे जाते हैं, मतलब स्टोर हो करके रखे हुए होते हैं।
तो वो फाइल्स सपोर्ट करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और जो डिवाइसेस जुड़ी हुई है उसको चलाने में, और जो टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं उसको चलाने में। नेक्स्ट जो हमारे पास सब डायरेक्टरी है उसका नाम है लिब, तो इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि लिब नाम के डायरेक्टरी में लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। तो जब यूनिक्स का प्रोग्रामर यूनिक्स के प्रॉम्प्ट पर जब कोई प्रोग्राम्स लिखता है, तो उस प्रोग्राम्स के लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं, तो उसी को लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। तो उस इनबिल्ट फंक्शन, उस लाइब्रेरी फंक्शन को उस प्रोग्राम के टॉप पर स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो स्पेसिफाई जब हम कर देते हैं तभी वो प्रोग्राम्स रन करता है। तो वो जो हमने टॉप टॉप पर जो हमने फाइल्स को स्पेसिफाई किया है उसको जो है सपोर्ट करता है, लाइब्रेरी फंक्शन के फाइल्स उसको सपोर्ट करते हैं, और वो सारे फाइल्स जो है लिब नाम के सब डायरेक्टरी में स्टोर होती है। तो प्रोग्राम्स कैन बी रिटर्न इन यूनिक्स यूजिंग दीज लाइब्रेरी फंक्शंस। तो जब यूनिक्स प्रॉम्प्ट के ऊपर जब कोई प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं तो हम कुछ इनबिल्ट फंक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर, कुछ लाइब्रेरी फंक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं ऊपर, तो उस लाइब्रेरी फंक्शन उस प्रोग्राम के साथ मर्ज हो जाती है, और फिर हमारा प्रोग्राम जो हमने बनाना चाहा है वो उस हिसाब से रिजल्ट हमें देता है। तो उस लाइब्रेरी फंक्शन को सपोर्ट करता है जो फाइल्स, वो सारे फाइल्स जो है लिब नाम के सब डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं। जैसे सी लैंग्वेज जब हम करते हैं, सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो टॉप पे हम दो फाइल्स, यानी कि दो फाइल्स जो है लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में स्पेसिफाई कर देते हैं। स्टडी कोनियों कुछ ऐसे, इंक्लूड और कोनियों कुछ करके नाम होता है, वो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो वो जो है वो लाइब्रेरी फंक्शन है। तो यूनिक्स के अंदर भी वैसे ही लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और उससे रिगार्डिंग फाइल्स बने हुए होते हैं जो लिब नाम के सब डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं, और वही सपोर्ट करते हैं उस लाइब्रेरी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में। फोर्थ जो हमारे पास सब डायरेक्टरी है उसका नाम है DEB, यानी कि डिवाइस डायरेक्टरी। तो इसके अंदर क्या होता है, इट स्टोर्स फाइल्स दैट आर रिलेटेड टू द डिवाइसेस। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उससे रिगार्डिंग जितनी भी फाइल्स बनती है वो सारी फाइल्स जो है डिवाइस डायरेक्टरी में स्टोर होती है। तो यूनिक्स हैज़ ए फाइल एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो यूनिक्स के अंदर, यूनिक्स पर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए होते हैं उन सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित फाइल्स बनी हुई होती है, और वो सारी की सारी फाइल्स जो है डिवाइस नाम के सब डायरेक्टरी में स्टोर होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास सब डायरेक्टरी है उसको यूजर डायरेक्टरी बोलते हैं, और ये क्या होता है देखते हैं। इट इज क्रिएटेड फॉर इच यूजर टू हैव ए प्राइवेट वर्क एरिया वेयर द यूजर कैन स्टोर हिज फाइल्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने वाले जितने भी यूजर्स होते हैं तो हर यूजर के लिए एक फाइल क्रिएट हो जाती है, और वो फाइल यूजर नाम के सब डायरेक्टरी में स्टोर हो जाती है। तो वो फाइल जो है बेसिकली उस यूजर को सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ उस यूजर ने कौन कौन से फाइल्स को जो स्टोर वगैरह किया है, तो कितना वर्क एरिया वगैरह कैप्चर किया है, तो उससे रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन उस फाइल में स्टोर होती है। साथ ही साथ दिस डायरेक्टरी कैन बी गिवन एनी नेम। तो इस डायरेक्टरी का हम कुछ भी अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। हेयर इट इज नेम्ड एज यूजर, यहाँ पर हमने यूजर नाम दे रखा है, और इसी को हम होम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। तो ऑल यूजर्स का ये होम डायरेक्टरी कहलाता है। तो विद इन द यूजर डायरेक्टरी देयर इज अनदर डायरेक्टरी बिन, और यूजर डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी होती है जिसको बिन डायरेक्टरी बोलते हैं, और वो
एडिशनल यूनिक्स कमांड्स को वो अपने पास रखता है जो उसी यूजर के रिगार्डिंग तालमेल बना करके रखता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस डायरेक्ट सॉरी नेक्स्ट हमारे पास जो सब डायरेक्टरी है उसका नाम है टेम्प डायरेक्टरी, टेम्प सब डायरेक्टरी या टेम्परेरी सब डायरेक्टरी। तो ये क्या होता है देखते हैं। तो दिस डायरेक्टरी इज यूज टू कीप टेम्परेरी फाइल्स। तो जो भी हम यूनिक्स के ऊपर कुछ भी हम काम करते हैं तो उस काम के रिगार्डिंग बहुत सारे टेम्परेरी फाइल्स भी जनरेट होते हैं। तो उस टेम्परेरी फाइल्स के रिगार्डिंग जो फाइल्स स्टोर होती है वो टेम्प नाम के सब डायरेक्टरी में स्टोर होती है। तो द फाइल्स स्टोर इन दिस डायरेक्टरी आर डिलीटेड एज सुन एज सिस्टम इज शट डाउन और रिस्टार्टेड। तो जब हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं और काम करने के दौरान जो है उस काम के रिगार्डिंग बहुत सारे टेम्पररी फाइल्स जनरेट होते हैं और वो टेम्पररी फाइल्स स्टोर होती है टेम्प नाम के सब डायरेक्टरी में। तो जब हम उस सिस्टम को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं या फिर उसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो टेम्पररी फाइल्स जितनी भी होती है टेम्प नाम के सब डायरेक्टरी में वो सारी फाइल्स जो है डिलीट हो जाती है। तो ये था जो है सब डायरेक्टरी के बारे में। तो मैं एक बार और जो है रिकैप कर देता हूँ कि यूनिक्स फाइल सिस्टम में जो सबसे टॉप पर डायरेक्टरी होती है उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं और उसको बैक स्लैश से डिनोट करते हैं। और उसके बाद सब डायरेक्टरीज होती है बहुत सारी, जैसे कि बिन, ईटीसी, लिब, डिवाइस, यूजर और टेम्प सब डायरेक्टरीज हैं ये सारी। और उसके बाद जितनी भी डायरेक्टरीज बनती है या फिर फाइल्स बनती है उसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं, उसको सब डायरेक्टरी की फाइल्स बोलते हैं, मतलब सब डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी बोलते हैं और सब डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी में फाइल्स भी हो सकते हैं।